गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। Reactions. गुड आफ्टरनून सर। गुड इवनिंग सर। आज हम लोग जो है सोम का क्लास करेंगे, ठीक है। तो सोम में लैब में जो लैब क्लास होगा, तो लैब क्लास में अभी हम थोड़ा देर आधे घंटे घंटे हाँ सर, राम सर। यस सर। ओ राम सर। यस सर। वो आए नहीं आप? आ रहे हैं सर, पहले जो है ना इसको लैब कॉपी वगैरह सब दिखा लेते हैं, उसके बाद आएंगे, फिर लैब बच्चे लोग को दिखाएंगे डायरेक्ट, ठीक है। आप आए हैं क्या? हाँ हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक थोड़ा है देर ठीक वेट कीजिए, और हम आ रहे हैं। राजा सर से बात हुई तो राजा सर बोले कि थोड़ा देर वेट कीजिए, हम आ रहे हैं। तो ठीक है बच्चे लोग, अभी हम जो है आप लोग का जो लैब क्लासेस है, मैनुअल्स वगैरह है, मैनुअल्स में कैसे लिखना है, क्या लिखना है, वो आपको दिखा देते हैं। फिर अभी थोड़ा देर के बाद हम जाएंगे, यानी कि जो मेरा फर्स्ट क्लास हो जाएगा, क्लास के बाद जो है हम आप लोग को वीडियो क्लास में दिखाएंगे कि कैसे मशीन को हम लोग वहाँ पर हैंडल करेंगे और कैसे वहाँ पर जो है हार्डनेस टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो आज जो है आपको लैब मैनुअल्स में सारे लैब मैनुअल्स वगैरह के बारे में दिखा देंगे 4 to 5 में, और आज एक एक करके दिखाएंगे। जैसे कि आपका पहले होगा रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग, फिर होगा आपका ब्रिनर हार्डनेस टेस्टिंग, ठीक है। दो अभी कराएंगे, दो के बाद फिर होगा आपका आइजोड एंड सारपी, यानी कि 4 लैब होगा, यानी कि 2 डेज में कोशिश करेंगे कि उसको कंप्लीट कर देने के लिए, और ऑनलाइन क्लासेस है इसीलिए आप दिखा सकते हैं वहां पर लैब में जाकर। तो आपका लैब अभी जाएंगे थोड़े दिन में, फर्स्ट क्लास के बाद आपको मैनुअल्स वगैरह दिखा देते हैं, उसके बाद 2:30 के आसपास, नहीं 3:30 के आसपास हम आपको जाएंगे, और 1 घंटे पूरे जो होगा आपका ऑनलाइन वीडियो क्लासेस चलेंगे, ठीक है। तो वीडियो क्लासेस में आप सारे लैब पर जितना भी सारा चीज दिखाए हैं और जो जो पॉइंट्स हैं हम आपसे पूछेंगे, आपको बताना पड़ेगा कि किसको एनविल बोलते हैं, इसको आपको लोडिंग अनलोडिंग कैसे करते हैं, कहाँ से लोड लगाते हैं, किस तरह से उसका चार्ट देखते हैं, सारा कुछ जो है आप फर्स्ट आपका रॉकवेल और बिडल में देख लेंगे, ठीक है।
डायलगेज में वहां पर देखेंगे इंडेंटर क्या होता है, इंडेंटर दिखाएंगे, सारे कुछ आपको जो होगा आपको वीडियो क्लासेस में दिखाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट अभी जो है, अभी हम जो लैब मैनुअल्स है, लैब मैनुअल्स प्रीवियस ईयर का एक कॉपी हम लेके आए थे, उसको हम आपको दिखा रहे हैं कि लैब मैनुअल्स वगैरह कैसे लिखना है और उसमें क्या क्या चीज लिखना है, ठीक है। ये जो है हमारा, हम लोगों का लैब मैनुअल्स एक कॉपी हम लेके आए थे। तो सबसे पहला है जितने भी सारे प्रिकॉशंस होते हैं और सेफ्टी होता है, सेफ्टी प्रिकॉशंस वगैरह जो होगा सारा कुछ लैब मैनुअल में पहले लिखा जाता है कि क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो ऑलरेडी आप लोगों को डिस्कस कर दिया गया था कि उसमें क्या क्या रखना चाहिए, क्या कैसे आना चाहिए, बाल कैसे रखना चाहिए, जूता कैसे पहनना चाहिए, फुल शर्ट पहनना चाहिए, ठीक है। तो ये सब सारे कुछ जो है सेफ्टी प्रिकॉशंस वगैरह में आपका इंक्लूडेड है, ठीक है। डू डू नॉट्स मतलब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा मशीन हैंडल करना चाहिए, कौन सा मशीन हैंडल नहीं करना चाहिए, जिसके बारे में हमको प्रॉपर नहीं नॉलेज है, उसके बारे में हमको नहीं, उसको छेड़ना नहीं है, उसको छूना नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोगों का एक्सपेरिमेंट नंबर वन है, ठीक है। तो ये आपका मैनुअल्स वगैरह आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, मैनुअल्स, ठीक है। ये आपको बस डेमो के तौर पे आपको दिखा रहे कॉपी प्रीवियस ईयर का, कि कैसे वहां पर हम लोग जो है लैब कराए थे। तो अभी ऑनलाइन में आपको कैसे हम दिखा सकते हैं, कैसे करवा सकते हैं, ये आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये है आपका हार्डनेस टेस्टिंग हम लोग कर रहे हैं फॉर माइल्ड स्टील, ठीक है। माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील, दो प्रकार का हम लोग यहाँ पर स्टील करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कार्बन स्टील लिखा हुआ है, कार्बन स्टील, ब्रास एंड एल्युमिनियम स्पेसिमेन ऑब्जेक्ट मैंने लिखा हुआ है कि हम लोग इन सब मटेरियल का वहां पर हार्डनेस टेस्टिंग करते हैं, जो मेरा मटेरियल जो आपका हार्डनेस टेस्टिंग के दौरान। तो हार्डनेस टेस्टिंग में जो मेरा इक्विपमेंट्स होगा यानी अप्रैक्टिस होगा, अप्रैक्टिस में हम लोग क्या जो होगा, जो क्या क्या रहेगा, तो यहाँ पर देखो जैसा लिखा हुआ कि हार्डनेस टेस्टर, यानी कि जितने वो हार्डनेस टेस्टर क्या है, जो हम लोग का स्पेसिमेन है, ठीक है, हार्डनेस टेस्टर हो गया। फिर आपका सॉफ्ट एंड हार्ड माइल्ड स्टील, यानी सॉफ्ट माइल्ड स्टील और हार्ड माइल्ड स्टील, ठीक है। दोनों माइल्ड स्टील का हम लोग वहां पर दिखाएंगे स्पेसिमेन कैसा होता है और कैसे हम लोग उस पर आपका इंपैक्शन इंपैक्ट करते हैं, लोड आपका इंडेंटर के थ्रू उसमें लोड प्रोवाइड करते हैं और कैसा उसमें दिखता है। फिर है आपका ब्रास एल्युमिनियम, ठीक है, ब्रास एंड एल्युमिनियम, एल्युमिनियम और ब्रास, इसके लिए कौन सा बॉल इंडेंटर का इस्तेमाल करेंगे, किस टाइप का बॉल इंडेंटर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, डायमंड होगा कि बॉल इंडेंटर होगा, इसमें सारे कुछ जो होगा वहां पर हम लोग करेंगे, देखेंगे कि किस तरह का बॉल इंडेंटर का कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। आपका जैसे कि एल्युमिनियम होगा तो उसमें बॉल इंडेंटर वगैरह का इस्तेमाल करेंगे, या आपका सॉफ्ट जो लिखा गया है, ठीक है, सॉफ्ट माइल्ड स्टील, इसमें भी बॉल इंडेंटर का करेंगे, आपका हार्ड माइल्ड स्टील में भी आपका बॉल इंडेंटर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही आपका स्टेनलेस स्टील का बात आएगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, डायमंड इंडेंटर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया है कि बॉल इंडेंटर और डायमंड इंडेंटर। प्रीवियस क्लास में मैंने पूरे मशीन्स के बारे में दिखाया था, ठीक है, मशीन्स जितने भी सारे मशीन्स है सारे मशीन्स के बारे में डिस्कस किया था कि टेस्टिंग के दौरान में हम लोग जो है हार्डनेस टेस्टिंग के लिए जो मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं कैसा दिखता है, कैसा उसका वर्क है, वर्किंग कैसा करता है, और उसका जो रीडिंग वगैरह देखे थे, डायल गेज वगैरह कहाँ लगा हुआ था, इंडेंटर वगैरह कैसे करते हैं, उसमें से कौन सा की के वगैरह से हम उसको इंडेंटर को आप खोलते हैं निकालते हैं, तो उसका नाम है एनल की, एनल की के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इंडेंटर को वहां से रिमूव करते हैं और नया इंडेंटर दूसरे इंडेंटर उसमें प्रोवाइड करते हैं। स्पेसिमेंस और यहाँ पर अपरेटस, दो चीज हो गया, कुछ थ्योरी पार्ट है, ठीक है। तो थ्योरी में बोल रहा है कि द हार्डनेस ऑफ द मटेरियल इज रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल्स फॉर द डायमेंशन अंडर द लोकलाइज्ड प्रेशर। यहाँ पर जो है हम उसको लोकलाइज्ड प्रेशर के थ्रू उसमें उसमें प्रेशर प्रोवाइड कर रहे हैं। रेजिस्टेंस टू एब्रेशंस एंड हार्डनेस टेस्ट प्रोवाइड टू एक्यूरेट
रैपिड एंड इकोनॉमिकल वे, मतलब कि उसको हम लोग जो मशीन के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपका थ्योरी में लिखा गया है कि एक्यूरेट जितना हम लोग प्रोवाइड करना है, एक्यूरेट जो हम लोग लोड प्रोवाइड करेंगे, 100 करेंगे, 150 करेंगे, 60 करेंगे, इस तरह से जितना भी सारा लोड उस पर अप्लाई करेंगे वो आपका एक्यूरेट लोड उतना ही अप्लाई होगा, और इकोनॉमिकल वो अपने जो मशीन है मशीन के थ्रू उसमें इकोनॉमिकली उसमें लोड प्रोवाइड करता रहेगा। Determine the resistance of material for of क्या लिखा है two deformations. There are the three general type of hardness measurements depends upon the manner in which the test in conducted. मतलब यहाँ पर जो है मैनर वे में हम लोग यहाँ पर जो मशीन मटेरियल्स है वहां पर करेंगे, कुछ स्क्रेच होता है, कुछ राउंडेड होता है और कुछ इंडिपेंडेंट होता है, इंडेंटेंस होता है। ठीक है, इंडेंटेंस मतलब क्या कि उस पर इंडेंट करेंगे, कुछ राउंडेड शेप में होगा और कुछ स्क्रैच होगा मटेरियल पे, कुछ स्क्रैच आएगा। ठीक है, तो जैसे कि कोई मेरा जैसे नॉर्मल एक पेन है और पेन से हम अपने हाथ पर लोड लगाते हैं, तो लोड लगाने के बाद क्या होता है कि अगर पेन के उल्टे साइड से लगाएंगे तो उसका एरिया ज्यादा रहेगा और लोड हम लोगों का थोड़ा मतलब कि आपको चुभेगा नहीं। ठीक है, और अगर बॉल की तरफ से जिधर से हम लोग नोकिला पेन मतलब लिखते हैं, जिधर से आपका बॉल लगा हुआ रहता है, उस बॉल के थ्रू हम लोग इंडेंट करेंगे अपने हाथों पर, हमको एक चुभन सा महसूस होगा और जितना सारा लोड है वो कम एरिया से हमको ट्रांसफर कर रहा है, जिसके वजह से हम लोग को ज्यादा तीव्र अति से लगेगा। ठीक है, तो ये सब जो है थ्योरी पार्ट में है। ये आपका स्पेसिमेन है, मतलब ये आपको जिसमें हम लोग करेंगे टेस्टिंग मशीन है, मशीन्स में तो मशीन का डायग्राम वगैरह भी आपको बनाना है फिगर में। ठीक है, जस्ट आप जिधर आपका वन साइड रूल, वन साइड आपका प्लेन। ठीक है, प्लेन और जब जो प्लेन है वो व्हाइट होगा, व्हाइट पोर्शन पे आप ड्रॉइंग बनाएंगे और आपका दूसरे साइड क्या होगा कि हम लोग वहां पर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जैसा कि दिखाया गया है कि जहां पर स्पेसिमेन टेबल लिखा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं एनविल। ठीक है, यहाँ पर स्पेसिमेन टेबल लिखा हुआ है लेकिन वहां एनविल होगा, एनविल हो गया। फिर यहाँ पर इंडेंटर होल्डर लिखा हुआ है, वो जो आपका गोल वाला पोर्शन है वो आपको, हाँ बोलो ठीक से आवाज नहीं आ रहा, बोलो क्या बोल रहे हो। रंजन कुमार, रंजन कुमार रंजन कुमार सोनी क्या पूछ रहे हो, तो यहाँ पर जो है हम लोग स्पेसिमेन के बारे में देखें। स्पेसिमेंस में यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर इस पोर्शन पे दिखाया गया है, यहाँ पर डायल गेज लगा हुआ है। ठीक है, डायल लगा हुआ है यहाँ पर जितने भी सारे हैं, दो में दिखाता है, एक मतलब आर में दिखाता है और एक आपका बी में दिखाता है। दो रीडिंग है यहाँ पर, हम आपको प्रीवियस क्लास में दिखाए थे आर और बी। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका एनविल है, इस पोर्शन पे एनविल है। ठीक है, ये आपका जो यहां पर लिखा गया है सॉल्डिंग स्क्रू। ठीक है, यहां पर है हैंडविल, यहां पर जो है हैंडविल है, एक ऐसा रहेगा और दूसरे साइड ऐसा रहेगा और तीसरे साइड ऐसा निकला हुआ रहेगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, हो सकता है कि चार होगा, इस तरह से हैंडविल लगा हुआ रहेगा, इस हैंडविल से हम लोग उसको रोटेट करते हैं, गोल गोल घुमाते हैं, क्लॉक वाइज में घुमाएंगे तो क्या होगा कि अपर डायरेक्शन की ओर जाएगा और एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की ओर आएगा। तो जो मेरा स्पेसिमेन है उसको रख कर उसको हम लोग क्या करते हैं, इंडेंटर पर वहां पर लगाते हैं। ठीक है, तो और भी क्या है कि यहाँ हैंडविल हो गया, हैंडविल के साथ आपका यहाँ पर लोडिंग लीवर लगा हुआ है, लोडिंग इस पोर्शन पे है, जस्ट यहाँ पर भी आपका इस पोर्शन पे
अनलोडिंग होगा, ठीक है, एक लोडिंग यहां पर अनलोडिंग, ठीक है, लोडिंग और अनलोडिंग, इस साइड जो है इस साइड अनलोडिंग होगा, इस साइड लोडिंग होगा, हम लोग एक साइड से लोडिंग प्रोवाइड करेंगे, अनलोडिंग करेंगे, आपको जब हम आपको जब वीडियो क्लासेस दिखाएंगे उस दौरान में दिखाएंगे कि लोडिंग और अनलोडिंग कैसे करते हैं। यहाँ पर वेट है, तो वेट वाला पोर्शन है, इस पोर्शन पे दिखाएगा कि इस तरह का रोटेशन लगा हुआ रहेगा, इसमें से आपको आपको इस डायरेक्शन में घुमाएंगे तो आपका 60, ठीक है, केजीएफ, फिर लगेगा आपका 100, फिर 150 के बाद 200, ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर लोड जो है हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। ये सब क्या होगा, केजीएफ में होगा, किलोग्राम फोर्स के हिसाब से ये आपको इसके ऊपर में लोड लगाएगा, ठीक है। तो ये सारे जो है आपका डिस्कशन कर दिए, और एक पोर्शन बच गया है जिसका नाम है इंडेंटर, ठीक है। इंडेंटर के बारे में हम प्रीवियस क्लास में दिखाए थे कि इंडेंटर कैसा होता है और इंडेंटर का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पर करते हैं और इंडेंटर में कौन, जो बॉल इंडेंटर होता है उसका डायमीटर के बारे में डिस्कस किए थे, कितना डायमीटर होता है और किस डायमीटर का हम लोग वहां पर इस्तेमाल किए थे, ठीक है। तो डायमंड इंडेंटर का कहाँ पर इस्तेमाल किए थे, इस तरह से हम आपको दिखाए थे। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो, किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक में? सर डायमीटर कितना बताए थे? डायमीटर तुम्हारा जो है 0.58 से मतलब 0.5, मतलब कि अलग अलग डिफ आपका डायमीटर का था। देखो बॉन्ड इंडेंटर 2.5 है, ठीक है, 2.5 से लेकर तुम्हारा 9 mm, ठीक है, 9 mm इसका इस्तेमाल करते हैं, आपका 0.58 से लेकर तुम्हारा 58 से लेकर तुम्हारा जो 9 mm तक हम उसका यूज करते हैं, 9 mm तक का। हर मतलब मटेरियल के लिए अलग अलग डायमीटर, मतलब कि आपका बॉन्ड इंडेंटर का इस्तेमाल होगा, ठीक है। डायमंड इंडेंटर क्या होगा, सबसे हार्डनेस, मतलब जो सबसे हार्ड होगा उसका हम लोग का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जो हार्ड है, हार्डनेस मटेरियल होगा, सबसे ज्यादा हार्ड होगा उसको हम लोग, जैसे कि कार्बन जिसमें मात्रा ज्यादा होगा उस मटेरियल को यहाँ पर जब भी देखेंगे तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि आपका डायमंड इंडेंटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बॉल इंडेंटर का जो होगा बिल्डअप में आपका बॉल इंडेंटर का इस्तेमाल का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि उसमें से जो हम लोग बॉल इंडेंट करेंगे उसका जो होगा पार्टिकुलर जो डायमीटर, मतलब कि हम लोग जब इस्तेमाल करेंगे, जैसे 2.5 mm का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2.5 mm का उसका फुल डाया हो गया, मतलब कि उसका डाया हो गया 2.5 mm, और वो कितना इंडेंट किया, हो सकता है कि वो आपका 0.01 किया, 0.05 किया, 0.06 किया, इस तरह से वो आपका हो सकता है कि 1.5 किया, 1.6 किया, ठीक है, इस तरह से आपका इंडेंट करेगा, उस पर लोड प्रोवाइड करेगा तो वो आपका इंडेंट का एक आपका सर्किल बनेगा, उस सर्किल के हिसाब से हम लोग इंडेंट जब मेजरिंग करेंगे तो उसके लिए जो आपका माइक्रोस्कोपिक्स आता है इसमें, उस माइक्रोस्कोपिक्स के थ्रू हम लोग उसमें से देखेंगे, क्योंकि इतना छोटा है तो उसको बारीकी से हम लोग देखेंगे, फिर उसका जो होगा लिस्ट काउंट देखेंगे, लिस्ट काउंट देखने के बाद उसको मेजरमेंट करेंगे, मेजरमेंट करके बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक था कि फर्स्ट आप देख लीजिए इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जब इसका कैलकुलेशन पार्ट आएगा कैलकुलेशन में आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे। तो यहाँ पर वेट समझ गया, आ गया कि हम लोग जो फोर्स लगाते हैं केजीएफ में लगाते हैं, आपका 60, 100, 150, 200 में इसको हम लोग जो है लोड प्रोवाइड करते हैं केजीएफ में, ठीक है। तो ये हमारा था क्या, रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन, ठीक है। बिंडल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन में भी हम लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं, यही मशीन से हम लोग बिंडल हार्डनेस टेस्टिंग भी करते हैं, ठीक है। यहां तक में किसी को कोई और मतलब पूछना है तो पूछ सकते हो, किसी को कुछ पूछना है? किसी को और कुछ पूछना है तो बोलो, जवाब दो, यस और नो,
क्लास में नहीं हो क्या? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो आगे बढ़ते हैं। ये क्या है कि वही आपका थ्योरी पार्ट बचा हुआ था, इज द हार्डनेस मेथड ऑफ द मटेरियल आर रेटेड ऑन द देयर एबिलिटी टू स्क्रेच वन अनदर एंड इट इज यूजुअली यूज्ड इन यूज बाय मटेरियल, ठीक है, मटेरियल मटेरियलाइज्ड ओनली इन द रीबाउंड हार्डनेस मेजरमेंट एंड मेजरमेंट ए स्टैंडर्ड बाय बॉडी इन यूजुअली डिपेंड ऑन द मटेरियल, ठीक है, उसका जो बॉडी उसका जो होगा उस पे मटेरियल पे आपका जो हम लोग उसके ऊपर में इन स्क्रेच मतलब फर्स्ट में जो खा रहा है इन स्क्रेच हार्डनेस मेथड मतलब क्या है कि उसके ऊपर में स्क्रैच होगा, कुछ ना कुछ आपका दाग पड़ेगा, छाप छूटेगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का बॉडी पे होगा यूजुअली अपॉन द मटेरियल सरफेस एंड द हार्डनेस इन द मटेरियल्स इन द टर्म्स ऑफ द हाइट ऑफ द राउंड, ठीक है, हाइट ऑफ द इट्स रिबाउंड। द जनरल मीन्स ऑफ द जडिंग, ठीक है, द हार्डनेस ऑफ द मेजरिंग इन द रेसिस्टेंस ऑफ द मटेरियल्स इन इंडेंटेशन, ठीक है, इंडेंटेशन जो होगा मटेरियल के ऊपर में इंडेंट करेगा। द इंडेंटर्स यूजुअली बॉल्स कोन मतलब कि जब हम लोग उसमें बॉल इंडेंटर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो उसमें से बॉल का एक आपका कोन बनेगा मतलब कि सर्कुलर कोन बन जाएगा। मटेरियल्स विच द हार्डनेस हार्डर देन द बींग्स एंड यूज टू इंडेंटेशन टेस्ट, ठीक है, वहां पर इंडेंटेशन टेस्ट जब करेंगे उस दौरान में उसके ऊपर में छाप पड़ेगा। द हार्डनेस ऑफ द मटेरियल्स डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द फ्रिक्शन एंड इलास्टिसिटी विस्कोसिटी एंड द इंडेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लास्टिक स्ट्रेन्स प्रोड्यूस्ड बाय द टूल्स ड्यूरिंग द इंडेंटेशन मतलब कि उसके ऊपर में सारा कुछ जो दिखा रहा है कि उसके अंदर में जो जो उसका प्रॉपर्टीज है उसका अपना गुण में जो फेलियर्स आएगा जो चेंजेस आएगा वो सारे जो है आपका इंडेंटेशन जब करेंगे ड्यूरिंग द इंडेंटेशन जो आपको उसके ऊपर में लोड प्रोवाइड करेंगे वो आपका उसके वजह से इसके ऊपर में लगेगा। नेक्स्ट जो आता है आपका प्रोसीड्यूर, ठीक है, थोड़ा सा चावल होगा प्रोसीड्यूर तो यहाँ प्रोसीड्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्या है प्रोसीड्यू क्या है कि फर्स्ट हम लोग एनविल है, ठीक है, तो एनविल के ऊपर में हम लोग जो भी है मटेरियल्स को वहां पर प्रोवाइड करेंगे। अप्लाई द मेजर लोड्स यहाँ पर 900 न्यूटन, ठीक है, बाय द लोडिंग लेवल मतलब कि लीवर के थ्रू हम लोग लोडिंग लीवर के थ्रू वहां पर जो है लोड अप्लाई करेंगे। विच द पॉइंटर यूनिट ऑफ द कम ऑफ द रेस्ट मतलब कि वहां पर जो होगा कुछ देर के लिए हम लोग रेस्ट पोजीशन पे छोड़ेंगे, ठीक है, यानी कि जब वो इंडेंट कर रहा है तो हम लोग उसको थोड़े देर के लिए इंडेंटेशन होने देंगे। वो जितना आपका इंडेंटेशन जो होगा कुछ देर के लिए हम लोग उसको फ्यू मिनट्स या आपका 1 मिनट 2 मिनट्स के अप्रोक्स हम लोग उसको छोड़ देंगे। ऑटोमेटिक वो जितना इंडेंट करना होगा वो अप्लाई करके वो इंडेंट करके वो आपका सर्कुलर बना देगा, ठीक है, हम आपको जब दिखाएंगे उस दौरान में कि इंडेंटेशन में दिखाएंगे। फिर क्या होगा कि हम लोग रिमूव कर देंगे जो मेजर लोड प्रोवाइड किए हैं उन मेजर लोड को रिमूव कर देंगे, यानी कि लोडिंग लीवर जो आपका लगा हुआ था उस लीवर के थ्रू लोडिंग और अनलोडिंग वो दो पोर्शन था। लोडिंग जब हम लोग कर रहे थे तो उसको फिर क्या करेंगे मटेरियल को कुछ देर छोड़ने के बाद उसको अनलोडिंग कर देंगे। अनलोडिंग करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि जो रीडिंग है वो आपका रीडिंग को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे मतलब की लिख लेंगे। लिखने के बाद फिर आपका जो दो दो वो आपका रीडिंग दिया हुआ है बी में और आपका आर में, ठीक है, आर और बी में, तो ब्लैक कलर का आर है और बी जो रेड कलर का है वो बी में है,
दोनों को हम लोग रीडिंग को कैलकुलेट मतलब कि लिख लेंगे, लिखने के बाद उसका हम लोग जो है एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल में लिखेंगे कि आर में कितना आया और बी में कितना आया, उसके हिसाब से हम लोग जो है जितना लोड प्रोवाइड किए थे उसके हिसाब से उसका निकालेंगे कि कितना वो आपका लोड लगा, ठीक है। या फिर उसको जो हार्डनेस में क्या होगा, उसको अगर स्पेसिमेन को हम लोग दो बार किए तीन बार किए तो वो दो से तीन बार जितना बार भी करेंगे वो सारा का हम लोग एक एवरेज वैल्यू ले लेंगे और हमको पता चल जाएगा उस मटेरियल में कितना आपका लोड प्रोवाइड किया गया है और कितना उसका हार्डनेस है। उसका जब रीडिंग देखेंगे जो आपका पीछे में जो आपका लगा हुआ है उसका उस रीडिंग में देखेंगे कि कितना हार्ड है, ठीक है। यहाँ पर है रीड द रॉकवेल हार्डनेस नंबर, ठीक है, वहां पर रीड करना है रॉकवेल हार्डनेस नंबर और हार्डनेस स्केल, मतलब कि आर वाला में देखना है और बी वाला में, दोनों में उसको हम लोग रीड कर लेना है। एवल्यूएट द स्पेसिमेंस सो दैट इनकम इनटू द कॉन्टेक्ट विद द पेनिट्रेट, ठीक है। तो वहां पर जब हम लोग पेनिट्रेशन हो जाएगा उसके बाद वहां पर हम लोग उसको देखेंगे कहाँ पर उसका पेनिट्रेशन हुआ और कितना हुआ है। अब है आपका ऑब्जर्वेशन टेबल, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन टेबल में आपको बताया कि दो प्रकार का था, ठीक है, कि कौन कौन सा हम लोग इस्तेमाल किए थे। तो यहाँ पर है कि जो बी वाला है उसमें हम लोग कैलकुलेशन करेंगे कितना आपका लोड अप्लाई हुआ, वहां पर रीडिंग दिखाएगा कि 60 में है, 53 में है या 62 में है या फिर आपका 83 में है, 92 में है, कितना आपका लोड अप्लाई हुआ, ठीक है। वहां पर जो रीडिंग है उस रीडिंग में आपको देखना है और देखने के बाद यहाँ पर लिखना है सेम आपका जो दो में लिखे थे। दोनों में लिख लिए एक बी से एक सी से, ठीक है। यहाँ पर जो है कॉन इंडेंटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जब कॉन वाला अगर करेंगे तो कॉन वाला भी उस पर अप्लाई करके उसमें लिख सकते हैं। अब रिजल्ट का बात आता है, रिजल्ट कैसे लिखना है। द हार्डनेस ऑफ द मटेरियल्स इज फाउंडेड टू बी, मतलब RHN जब उसको हार्डन का इस्तेमाल किया और अनहार्डन का इस्तेमाल किया, मटेरियल का दो का इस्तेमाल किए उसमें से तीन आया, उसका एवरेज निकाल दिया तो 76.33 आया, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है कि 76.33 आया, सेम उसी तरह जो होगा जो अनहार्डन स्टील हम लोग अनहार्डन मटेरियल्स का इस्तेमाल किए थे, अनहार्डन का उसमें से भी हम लोग का इस तरह से आ जाएगा। तो इस दौरान में हम लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना है, बोलो। तो इन सब बातों का प्रिकॉशंस लिखना होगा, फिर इसका फाइनल जो होगा रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को वहां पर लिखना है कि इसमें से हम लोग को आया इतना, ठीक है। ये आपका प्रिकॉशंस दिया हुआ है, रॉकवेल टेस्ट शुड बी परफॉर्म ऑन द फ्लैट एंड स्मूथ, जब मतलब फ्लैट और स्मूथ सरफेस पे हम लोग स्पेसिमेंस को किए शुड बी आपका लो, मतलब यहाँ पर जो है हम लोग स्पेसिमेन विच शुड बी स्पेसिमेन फॉर द विच शुड बी लो। द होल प्रोसीड्यूर शुड बी डन प्रॉपरली, मतलब कि प्रॉपर्टीज, मतलब कि यहाँ पर जो है जब हम लोग प्रोसीड्यूर अपना रहे हैं तो उस दौरान में प्रॉपर प्रोसीड्यूर को ध्यान रखना है। एक प्रोसीड्यूर में थोड़ा सा छूट गया है कि जब हम लोग इंडेंटर को टच कराएंगे जो स्पेसिमेन से तो कुछ डिफ्लेक्शन होगा, कुछ मेरा रीडिंग देगा, ठीक है। तो रीडिंग देगा जहां तक हम लोग उसको एक जैसे कि इतना टच कराना है कि कोई भी मेरा पेज और उसको देकर छू के देखेंगे कि कोई भी पास तो नहीं हो रहा है, मतलब बॉल इंडेंटर को टच किया है कि नहीं किया है, उस तरह से हम लोग कुछ बातों का वहां पर ध्यान रखेंगे फास्ट में। तो ये सब जो है आप आपका प्रिकॉशंस वगैरह में लिख सकते हैं कि जब हम लोग बॉल इंडेंटर को टच कराएंगे स्पेसिमेन से उसके ऊपर में क्या होगा कि रीडिंग डिफ्लेक्शन रीडिंग जब भी आएगा तो उसको हम लोग मेजरिंग कर लेंगे या फिर कितना हुआ इंडेंट, मतलब कि उसके ऊपर में लोड प्रोवाइड कर दिया है उसको हम लोग वहां पर मेजरमेंट कर लेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा रॉकवेल का, नहीं हार्डवेल का,
रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग, ठीक है। आरचेन हम लोग देखें, अब है आपका बीएचएल बेडनल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन, ठीक है। टेस्टिंग नंबर हम लोग कैसे वहां से कैलकुलेट करते हैं, तो बेडनल में क्या होता है कि जब बॉल इंडेंटर का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर अब बेडनल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। प्रैक्टिस में क्या होगा कि बेडनल टेस्टिंग मशीन के साथ एक बेडनल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो नेग्लिजिबल होता है, हम उसके डायमीटर को मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं कि बॉल इंडेंटर, जब हमको पता है कि वो आपका 2.5 mm का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो इंडेंट करेगा, तो हो सकता है कि वो 0 पॉइंट में आएगा, हो सकता है कि वो 1.1 कुछ में आएगा, हो सकता है कि आपका 2 पॉइंट से कम आएगा, ठीक है, हो सकता है 2 पॉइंट आएगा या 2 पॉइंट से पॉइंट ज्यादा आएगा। वो कितना ज्यादा आया कितना कम आया उसको माइक्रोस्कोपिक ग्लास से हम लोग उसको देखेंगे, मेजरमेंट करेंगे कि कितना आया, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि उसका बेडनल नंबर उसमें से कैलकुलेशन करके निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है सिर्फ चेंजेस क्या होगा कि बेडनल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन के साथ साथ वहां पर हम लोग माइक्रोस्कोपी का इस्तेमाल करते हैं, और इसमें इंडेंटर का इस्तेमाल जो कर रहे हैं 2.5 mm का जो बॉल इंडेंटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसमें माइल्ड स्टील का और स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। माइल्ड स्टील और स्टेनलेस स्टील दो प्रकार का यहाँ पर है हम लोग के पास में अवेलेबल है, उसमें से हम लोग उसको इंडेंट करेंगे। कुछ थ्योरी है, सेम थ्योरी है उसी तरह जो उसमें भी लिखा गया था। अब आ जाते हैं इसके, द स्पेसिमेंस आर द फॉलोज, यहां पर क्या लिखा है, टू एबिलिटी टू डायमीटर हार्डनेस अप टू 1411, ठीक है, 1411 BHN, मतलब इसका जो बेडनल हार्डनेस नंबर है वो आपका अप टू, मतलब इसके अंदर ही, मतलब 1411 जो होगा बेडनल हार्डनेस नंबर उसके अंदर ही आना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम एप्लीकेशंस फॉर द लोड, हम लोग जो मैक्सिमम अधिक से अधिक इसके ऊपर जब लोड अप्लाई करेंगे वो 250 kgf हम इसमें लोड अप्लाई करेंगे, इससे ज्यादा हम लोग नहीं अप्लाई कर पाते, ठीक है। 250 kgf, अच्छे से दिख रहा है सबको। मेथड ऑफ द लोड एप्लीकेशन, यहाँ पर लीवर के थ्रू हम लोग, वहां पर लीवर टाइप होगा उसमें से हम लोग जो है इसको प्रोवाइड करेंगे। लीस्ट मेजरमेंट नंबर जो होगा 1 होगा, BHN का 1 होगा, 1 से 3 BHN नंबर उसके ऊपर में जो हम लोग देख रहे हैं, तो उसमें से क्या 1 से 3 के बीच में वो आपका मिनिमम होगा, ठीक है। लीस्ट मतलब इससे सबसे कम इतना ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। अब कुछ आ जाता है कैलकुलेशन, ठीक है। कैलकुलेशन में यहाँ पर दिखाया गया कि BHN नंबर निकालने का आपका फॉर्मूला दिया गया है, 2D A मतलब एरिया, D मतलब डायमीटर, और फिर D माइनस रूट अंडर D स्क्वायर बाय D स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो D स्क्वायर है ये बड़ा जो बॉल इंडेंटर इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि हम लोग जो 2.5 mm का यहाँ पर जो डायमीटर का इस्तेमाल किए हैं इसका हम लोग यूज करेंगे, ये होगा D बड़ा वाला D, और स्मॉल D क्या होगा जब इंडेंटर उसमें इंडेंट करेंगे वो कुछ आएगा पॉइंट्स में, या फिर हो सकता है कि आपका 2.5 से कम आएगा तो वो स्मॉल डी हो जाएगा, ठीक है, जो अप्लाई हम लोग लोड अप्लाई किए हैं केजीएफ में, ठीक है, वो आपका यहाँ पर देखो क्या है, बॉल इंडेंटर इन mm इनटू 2.5, हम फर्स्ट जो है डी का इस्तेमाल किए, यहाँ पर डी क्या है डायमीटर आपका इंडेंटेशन और इन mm मतलब जो भी होगा वो लोड अप्लाई किए हैं आपका P, यानी कि 100 kgf लगाया है, 200 kgf लगाया है, या 250 kgf लगाया है, 60 kgf लगाया है, वो आपका यहाँ पर लोड लिखना है। लिस्ट काउंट बेडनल माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोप इज 0.01 mm, मतलब कि 0.01 जो मिलीमीटर होगा वो आपका बेडनल जो नंबर होगा उसमें से हम लोग उसको निकालेंगे, और उसमें से हम लोग इसको ऐड करेंगे, इसको जोड़ेंगे 0.05, तब जाकर वो मेरा डी निकलेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कैलकुलेशंस, मतलब ऑब्जर्वेशंस। फर्स्ट हम लोग जब करेंगे तो उस दौरान में ऑब्जर्वेशंस में हम लोग इस तरह का टेबल बनाएंगे। टेबल में क्या लिखा है, डायमीटर ऑफ द इंडेंटेशन इन mm मतलब स्मॉल डी कितना आया, 0.8 0.9 0.9, हो सकता है कि आपका 1 आ जाए, हो सकता है आपका 7 आ जाए,
इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट चेंज हो जाएगा। हम लोग जो लोड अप्लाई किए हैं वो 100 kgf में अप्लाई किए हैं, ठीक है, यहाँ पर सब किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और BHL नंबर, वहां पर हम लोग जो रीडिंग देख रहे हैं BHL नंबर वो कितना आया है, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, जो BHL नंबर आया है वो कैसे हम लोग को पता चलेगा कि BHL नंबर कितना आया है। तो अब यहाँ पर देखो कैलकुलेशन, फर्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2.5 mm का जो हम लोग डायमीटर का इस्तेमाल किए थे, स्मॉल डी कितना था 0.08 mm का, उसको हम लोग क्या किए कि लोड अप्लाई करने के लिए उसको हम लोग क्या किए कि 27.5, मतलब कि 27.5 जो आया है माइक्रोस्कोपिक में, ठीक है, मेन स्केल आया 27.5, मतलब कि जब हम लोग माइक्रोस्कोपिक में देखेंगे तो वहां पर 27.5 आया है, उसको हम लोग क्या करेंगे लिस्ट काउंट से इनटू कर देंगे और उसको ऐड कर देंगे, तो मेरा 0.07 आया, ठीक है, समझ में आया यहाँ पर 27.5 कहाँ से आया, किसी को कोई दिक्कत है कि ये 27.5 कहाँ से आया, तो 27.5 क्या है कि माइक्रोस्कोपिक जो हम लोग किए थे, माइक्रोस्कोपिक जो हम लोग जो बेंडा माइक्रोस्कोपिक का इस्तेमाल किए थे उसमें से ये रीडिंग दिया है, ठीक है, रीडिंग क्या दिया 27.5, 27.5 को 0.01 क्या है, ये मेरा लिस्ट काउंट है, ठीक है, लिस्ट काउंट को हम लोग गुना कर देंगे तो हम लोगों क्या एक मतलब कि मिल जाएगा कि कितना उसका उस पर लोड अप्लाई हुआ, क्योंकि जब स्मॉल में होगा, सबसे स्मॉलेस्ट में होगा, तो हम उसको मेजरमेंट करने के लिए माइक्रोस्कोपिक ग्लास का इस्तेमाल करेंगे, और ग्लास में यहाँ पर जो है 0.8 जो है आपका देखेंगे कि मेन स्केल और यहाँ पर जो है आपका कुछ आपका पॉइंट्स में आएगा, यानी कि दो रीडिंग है, दो रीडिंग कैसे है कि एक जो माइक्रोस्कोपिक ग्लास होगा उसमें भी आपका एक रीडिंग बना हुआ होगा, उसमें से हम लोग देखेंगे कि इस तरह से, ठीक है, इसमें से किसको किसको टच किया है, इस तरह से आपका इसके ऊपर में लगा हुआ रहेगा, हम आपको जब फिगर दिखाएंगे उस वहां पर दिखाएंगे उस दौरान में आपको इसका जो है क्लियर कर देंगे कि कैसे वहां पर जो हम लोग यहाँ पर रीडिंग लेते हैं, ठीक है। तो 27.5 जो है आपका आया है, और यहाँ पर जो 0 आया मेन स्केल और ये वर्नियर स्केल, ठीक है, लिस्ट काउंट के लिए 0.01 से इंटू कर दिए और मेरा इतना आ गया, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो कि कैसे आया डी, स्मॉल डी कैसे आया, किसी को कोई प्रॉब्लम है, क्लास कर रहे हो कि नहीं? यस सर, कर रहे हो ना, तो कुछ भी जवाब नहीं दे रहे हो, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, जवाब देना है। अब यहाँ पर है BHL नंबर को हम लोग कैसे पुट किए, तो फर्स्ट 3.15 मतलब पाई, ठीक है, पाई डी इंटू यहाँ पर जो है उसका ले लिए कितना आया, तो यहाँ पर 2.5 का इस्तेमाल किए थे, 2.5 का यहाँ पर बड़ा है और स्मॉल में 0.07 यहाँ से हम लोग ले लिए, ठीक है, इस पोर्शन से हम लोग ले लिए और लेने के बाद फिर हम लोग उसको कैलकुलेशन किए तो मेरा कितना आया देखो 0.106 यहाँ पर जो रीडिंग दिया था मेरा फर्स्ट यहाँ पर 106.1, ठीक है, यहाँ पर भी जो कैलकुलेशन करके आया है वो आया है 106.1, ठीक है, तो ये कैलकुलेशन मेरा सही है। सेम स्टेप होगा आपका जो 2 से 3 बार करेंगे वो सारा कुछ होगा, दोनों बार हम लोग इसको करेंगे, ठीक है, करने के बाद हम लोग का रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट क्या आएगा कि तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे और जितना मेरा आएगा वो हम लोग जो मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे उसका वो हार्डनेस होगा, ठीक है, वो आपका एवरेज जो हम लोग निकालेंगे वही उसका होगा। तो कैलकुलेशन फिर इसका कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन यही है कि द हार्डनेस ऑफ द मटेरियल ऑफ BHL नंबर वो आपका होगा 90.153, ठीक है, यहाँ पर कैसे आया 90.153, यहाँ पर देख रहे कि एवरेज निकाला है तीनों को अप्रोक्स, जैसा कि 1 का दिखाया सेम आपका 2 का भी उसी तरह कुछ आया और 3 का भी आया, तो 3 का तीनों को हम लोग उसको क्या किया एवरेज वैल्यू ले लिए, एवरेज वैल्यू लेने के बाद मेरा जो आया है वही उसका उस मटेरियल का हार्डनेस नंबर हो गया, ठीक है, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है नहीं है, तो अब हम